हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? गाइस, मैं जेपी नजरवड़ दिल्ली से। तो गाइस, आज 30 अगस्त है और रक्षाबंधन है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो गाइस, मेरा जो फर्स्ट ट्रेनिंग बैच था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। मैं उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड था। एक्साइटेड होने का कारण क्या था, क्योंकि मैं फर्स्ट बैच था, थोड़ा एक नर्वस भी था, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, मस्त हुआ मस्त। जो हमारे ट्रेनिंग में जितने भी 9 बंदे थे वो काफ़ी बढ़िया बंदे थे, सारे अच्छे थे। खासकर जो चेतन था, अपना जो फरीदकोट से आए थे, अपना क्या कहते हैं उनका नाम, रघुनाथ जी, काफ़ी नॉलेज थी उनको भी, काफ़ी मतलब पुराने मैकेनिक थे, आसाम से रणजीत जी गए थे, मतलब अच्छे बंदे थे काफ़ी। तो फर्स्ट बैच हमारे को काफ़ी याद रहेगा। उन्होंने काफ़ी एक हमारे को साथ मिलकर, हमने एक मिलकर वो काफ़ी कुछ सीखा गाइज। और ज़्यादातर हमने जो किया हमारे यहाँ प्रैक्टिकल किया। और गाइज, अब बात करते हैं सेकेंड बैच कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइज, मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो आप सेकेंड बैच कब स्टार्ट करोगे? तो उसकी डेट मैंने फिक्स कर दी है। उसकी डेट है अपना 26 अक्टूबर। ठीक है गाइज, सुन लो, आप दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 26 अक्टूबर। ये आपको मेरे पास, जो भी बंदे बाहर से अदर स्टेट से आना चाहते हैं, तो उनको मेरे पास आना पड़ेगा 25 अक्टूबर को, यहाँ पहुँचना पड़ेगा। 25 अक्टूबर का बुधवार है, उस दिन मेरी छुट्टी होती है। तो छुट्टी इस दिन मैं बुला रहा हूँ, कोई मुझे भी कोई दिक्कत ना हो और आने वाले भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। तो 26 से 1 नवंबर तक ट्रेन चलेगी, 7 दिन है टोटल, एक दिन संडे बीच में, उस दिन छुट्टी रहेगी। ठीक है गाइज, ये है ट्रेनिंग शेड्यूल। सुबह 10:30 बजे मेरी ट्रेनिंग यहाँ स्टार्ट होती है, शाम के 5:30 बजे तक, टोटल 6 घंटे चलेगी। ठीक है गाइज, अगर गाइज अगर फर्स्ट बैच के आप रिव्यू देखना चाहते हो, तो उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लेना उनका रिव्यू कैसा था। ठीक है, और गाइज अब बात करते हैं मेरे यहाँ B6 सीट जो ट्रेनिंग और अदर जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनमें क्या फ़र्क है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। मेरे यहाँ गाइज ज़्यादातर B6 की जो टेक्नोलॉजी है वो प्रैक्टिकल पे होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल मैं थोड़ा थ्योरिकल करता हूँ बोर्ड पे, और फिर प्रैक्टिकल होती है सीधी बाइक पे, तो माइंड में डालने के लिए। फिर मेरा सेंसर हो गया ECU और एक्चुएटर के प्रॉपर समझा के, बैटरी चार्जिंग का होता है प्रो, क्योंकि हमारा बैटरी चार्जिंग से बहुत ज़्यादा मैटर होता है। इग्निशन सिस्टम, फ्यूलिफाई सिस्टम है, तभी काम करेगा जब हमारी बैटरी प्रॉपर चार्ज है। उसको चार्जिंग का सर्किट समझ में नहीं आएगा तो आगे वर्क नहीं होगा। तो बैटरी चार्जिंग होगा साथ में, फिर फ्यूल पंप के ऊपर प्रॉपर होती है कैसे वर्क करता है, उसकी प्रैक्टिकल भी और साथ में बोर्ड पे भी। ठीक है, ये होता है। अब और मेरे यहाँ पे क्या अलग है, मैं हर कंपनी की जो जैसे कि बजाज, हीरो, होंडा और TVS, इनकी एक एक बाइक लेता हूँ और उनके वायरिंग डायग्राम के सर्किट समझाता हूँ, जो कि कहीं पे नहीं होता, कहीं पे भी नहीं हो रहा। वो खाली सेंसर वगैरह ECU पे सेंसर कैसे चेक करते हैं करते, लेकिन फॉल्ट आएंगे कौन समझाएगा भाई। तो मेरे यहाँ पे फॉल्ट आते हैं, मैं अब जो फर्स्ट बैच आया था उनके साथ कोई बात अगर बन गई तो मैं बात भी कराऊंगा, नहीं तो मैंने जो बैच आया था मेरे प्रैक्टिकल में नीचे फॉल्ट आ रहे थे, और उनको लड़कों से ही जो मेरे पास बैच आया था उन्हीं से ही फॉल्ट वो करवाया था मैंने। जैसे कि चार्जिंग का फॉल्ट आया था एक RS का, तो मैंने मैकेनिक को अपना एक बोर्ड पर समझा दिया, फिर प्रैक्टिकल उसी पे करवाया, उनकी किस्मत थी फॉल्ट उसी टाइम आ गया, नहीं तो मैं फॉल्ट क्रिएट कर देता हूँ। अब फॉल्ट ढूंढो इसमें कैसे है, तो ये तरीका है मेरा समझाने का। ठीक है, साथ में फॉल्ट रिव्यू करवाता हूँ भाई, अगर स्टार्टअप लाइट खराब होगी तो आप कैसे इसको चेक करोगे, ये होता है मेरा तरीका। अब बात करते हैं गाइज, कौन कौन भाई मैकेनिक भाई यहाँ पर आ सकता है। तो गाइज, आपका एक एक्सपीरियंस है कम से कम 4 से 5 साल होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 साल होना चाहिए। अगर कम है आप और वायर आपको नॉलेज है किस चीज़ की, मल्टीमीटर की, ठीक है, तो भी आ सकते हो। 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और मल्टीमीटर अच्छी तरह चला सकते हो तो भी आ सकते हो। और एक चीज़ और है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आपको थोड़ा मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए। अभी है ये हमारी 30 अगस्त, यानी कि 1.5-2 महीना है आपको यहाँ पे बैच आने में, तब तक आप मल्टीमीटर सीख लो अगर प्रॉपर आप BS6 की टेक्नोलॉजी समझना चाहते हो। तो गाइज, अगर आप वहाँ से ही मल्टीमीटर चलाना सीख के आते हो तो मेरा यहाँ टाइम बचाता है, तो हम आगे का जो वो अपना ट्रेनिंग का जो बैच होता है, आगे का जो शेड्यूल हो प्रॉपर से कवर कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ा हमारा डिले हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग फ़ी और रहने खाने का खर्चा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मैकेनिक भाई है मेरे पास व्हाट्सएप पे डालते हैं, भाई क्या आपकी फ़ी है, क्या रहने और खाने का खर्चा आएगा। तो गाइज, मेरे यहाँ पे जो ट्रेनिंग का चार्ज है, मैं जो अभी ले रहा हूँ लड़कों से, वो ले रहा हूँ 5,000 रुपये, अभी 5,000 रुपये ही है, 5,000 रुपये। साथ में रहने खाने का खर्चा क्या है,
रहने का और खाने का मेरे यानी यार भाई धर्मशाला है यादव भवन, मैंने वहाँ करवाया था फर्स्ट बैच का। गाइज अभी क्या था, अभी काफ़ी गर्मी थी तो मैंने एसी रूम बुक कराए थे उनके, और किया भी ठीक क्योंकि अगर मैं नॉर्मल बुक रूम बुक कराता तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती, रात को अच्छी तरह से नहीं सो पाते, तो हमारा जो ट्रेनिंग है वो भी अटेंड नहीं कर पाते लड़के, क्योंकि नींद भी पूरी होनी ज़रूरी है। ठीक है गाइज, तो लेकिन जो सेकेंड बैच आएगा वो हमारा आएगा नवंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि अक्टूबर के लास्ट वीक में, तो उस टाइम तक हमारी सर्दी स्टार्ट हो जाएंगी। और उस टाइम का जो चार्ज है वहाँ जो यादव भवन का वो है 1000 रुपये में 6 बंदे रुक सकते हैं शेयरिंग में। ठीक है, तो अगर आप एक दूसरे शेयरिंग रूम ले लोगे तो आपके लिए खर्चा है वो अफोर्डेबल हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपये में 6 बंदे हैं तो अगर डिवाइड करें तो 165 के अराउंड आएगा, 160-170, बाकी आप कर लेना जो भी कैलकुलेशन करके देख लेना इतना आएगा। और कितने बंदे आ सकते हैं इसमें वो थोड़ा डालते, मैंने डाला है 15 बंदे, नहीं 15 जो मैकेनिक भाई हुआ ग्रुप है वो लूँगा मैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर थोड़े स्पेस का भी इशू है, तो मैं जितने लड़कों को अच्छी तरह से समझा सकता हूँ उतना मैंने रखा है। ठीक है, और अब बात करते हैं खाने का। खाने का है 200 रुपये पर डे का खर्चा आएगा, वहीं सामने होटल है, बढ़िया भोजन है। जिन लड़कों से मैंने रिव्यू लिया तो उनसे बात भी की थी तो उन्होंने बताया था भाई मैक्सिमम 200 रुपये में आपका फुल दिन का खाना हो जाता है, तो 200 प्लस में 100 ये हो गया खाने का 170, 370 यानी 400 रुपये मान लो यार रहने खाने का, प्लस में मेरा ट्रेनिंग का 5000 रुपये, तो 7 × 4 = 28 यानी 3000 और 5 × 8 = 8000 यानी 10000 में आपका जो प्रॉपर ये ट्रेनिंग हो जाएगी, आने जाने समेत ट्रेनिंग की टिकट भी हो जाएगी शायद इसमें। ठीक है, तो गाइज ये मैंने प्रॉपर आपको बता दिया है, अब आप इसमें कैसे ज्वाइन होंगे ट्रेनिंग में उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपने जाना है नीचे, जाना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसमें अपनी डिटेल फिल करनी है। मैंने एक PDF फाइल डाउनलोड रख रखे है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उसकी डिटेल बना के आप व्हाट्सअप नंबर है मेरा नीचे ही उस पर जाके थोड़ा छोड़ देना और ट्रेनिंग लिख के डाल देना, फिर हम आपको एक व्हाट्सअप नंबर वो दे देंगे बार कोड, उस पर आपने 1000 रुपये एंट्री फी डालनी है। इसमें जो पहले कर देंगे 1000 रुपये तो उन्हीं का ही अलाउड होगा, पहले 15 बंदे का। ठीक है गाइज, तो ये मैं आपको बता दूँ पहले 15 बंदे, क्योंकि मैं 15 ही बुलाऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी थोड़ा स्पेस का भी जो देखना है, तो मैंने जो फर्स्ट बैच आया था उनसे बात भी की थी भाई कितने बंदे यहाँ पर ट्रेनिंग देते थे, तो उन्होंने बताया था 15-20 लड़कों का आप यहाँ पर कर सकते हो, तो मेरा भी यही है 15-20 मैक्सिमम। ठीक है गाइज, इससे ज़्यादा नहीं ले पाऊँगा, तो आप फटाफट जाओ और ट्रेनिंग में भाग लेना चाहते हो तो नीचे फॉर्म था बता, मैंने फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने ये नहीं है वो फॉर्म यार डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके एक पेन कॉपी पर लेकर उसमें डिटेल जो मैंने पूछी हुई हूँ डाल के व्हाट्सअप कर दो, साथ में ट्रेनिंग लिख कर डाल दो, तो मैं आपको अपना बारकोड भेज दूंगा, वहाँ से आप 1000 रुपये कर दो तो आपकी एंट्री हो जाएगी मेरे यहाँ पे। ठीक है, एंट्री पहले 15 बंदों की लूँगा, कोशिश ये रहेगी 15 बंदों की, क्योंकि जो बंदे यहाँ पे आए मेरे यही है जो मेरा इस ट्रेनिंग से मेरे को पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं 5000 रुपये को ज़्यादा चार्ज नहीं करा गाइज, जो बंदे आ रहे थे उन्होंने देखा जितनी मैंने मेहनत करी है इस ट्रेनिंग बेस पे वो ज़्यादा चार्ज नहीं है मेरा है, ये BSC टेक्नोलॉजी को अपने में कहने भाई को मैं अपग्रेड करना। ठीक है, रहने खाने खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ट्रेनिंग फी भी लो है, तो जो एक जिनका बजट कम है जो है तो मेरे पास आ सकते हैं गाइज। ठीक है, तो फटाफट जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, फॉर्म लेके वो डिटेल डाल दो और बार कोड हम आपको सेंड कर देंगे, तो 1000 रुपये डाल देना आपके वहाँ पर आप एंट्री हो जाएगी। ठीक गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।